और कौन पिनाकी घोष, सुप्रीम कोर्ट के जज भी थे बैठे हुए। मेरा परिचय उस समय नहीं हुआ, बाद में महाराज जी ने बताया। लेकिन जब मैं अपनी बात कह के नीचे उतरा तो मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूं, मुझे इसीलिए माफी मांगा हूं। नीचे देखा कि दंडी स्वामी काशी की बात है, आपस में व्यवस्थापक से झगड़े कर रहे। मैं चेहरा रोहित जी का देख रहा हूं, मैं बोलूं कि ना बोलूं? तो मैं समझ नहीं पाया कि झगड़े ये किस बात की कचकुच हो रहा। स्वामी दंडी जो अपना पूरा त्याग दिया धर्म के लिए, मालूम हुआ एक ही घंटा के लिए बुलाए थे, दो घंटा लग गया। और था कि हम इतना रुपया देंगे, उससे कम मिल रहा है। मुझे समझ में नहीं आया आ रहा है जिससे मुझे लड़ना है, जिसके खिलाफ मुझे लड़ना है, वो सोता है, उठता है, अपने धर्म का प्रचार करता है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें मोक्ष दे दो। केवल हम यही कहते हैं, हम ये नहीं कहते हैं कि भगवान हमें भी मोक्ष दो, हमें पुनर्जागरण भी करो कि आज हम पूरे जिंदगी समाज में हमारे जो निचले पायदान पर बैठे हैं, जिन्हें कोई दलित कहता, कोई महादलित कहता, कोई गरीब कहता, वही मेरा भगवान है। कई धर्माचार्य आज उनको ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन अगर हम 100 रुपये 200 रुपये दक्षिणा के लिए, हमारे शास्त्र में तो है जिसने वायु प्राण से अपनी पूरी जिंदगी को रखा है, वो देश नहीं पूरे दुनिया में धर्म के पुरोधा रहे। मैं किस चीज की जरूरत? दूसरी बार मुझे पीड़ा हुई दिल्ली के अंदर कालिका मंदिर, माँ कालिका का, वहां पर जो संत है वो मुझे जनसंख्या नियंत्रण पर कालिका मंदिर से वो मुझे करना था। तो उन्होंने कहा सुरेंद्र गिरी जी कि हम करेंगे। हमने देखिए मुझे कठिनाई है, हमारी विश्वसनीयता नहीं है, राजनेताओं की विश्वसनीयता खत्म हो गई है, कार्यकर्ताओं की खत्म हो गई है। आज भी अगर विश्वसनीयता है, कुछ संतों ने हमें जरूर गिराया है, लेकिन आज भी विश्वसनीयता इस संत का है, इस वस्त्र का, इस भेष का है, इस भूषा का। मैं गया तो सारे आश्रम में मैं गया कि साहब जनसंख्या गिर जाएगी तो हमें तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम तो इतने कमीने हैं कि हम तुरंत ढेका खोल करके मस्जिद जाके नमाज पढ़ लें, हम इतने गिरे हुए हैं। लेकिन आप कहां जाओगे दाढ़ी बढ़ा के, छोटी बढ़ा के, दंडी लेकर के? संकट तो आप और तो चलो जनसंख्या नियंत्रण के लिए सभी धर्माचार्य जो हरिद्वार में हैं, मैं गया, नाम ना कहूं किसी आश्रम का, कोई आश्रम नहीं छूटा। एक आश्रम जो कांग्रेस से जुड़े हुए थे वहां भी गया, पूरे दंडी स्वामी को लाए।
मैंने कहा आज दंडी स्वामी में कोई नौजवान नहीं दिखता, शंकराचार्य की तरह उसमें जवानी का तेज नहीं दिखता। अब जो भी मिलते दंडी स्वामी वो 50 से ऊपर के मिलते। मैं भी घूमते रहता हूं। उन्होंने कहा ये 100 वर्ष के हैं। मैंने प्रणाम किया, मुझे याद आ गया काशी का दक्षिणा का उबड़े राजा महान हैं पीठाधीश्वर। मैं सारे जगह गया, हमें सम्मान में कोई दिक्कत नहीं हुई। महादेव ने जो सम्मान दिया है उसके कारण सम्मान मिल गया। मैं जानता हूं कि मेरा सम्मान नहीं है, मेरे पद का सम्मान है। वही तो मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, हे महादेव अगर मुझे सम्मान देना है तो मेरी वाणी में सम्मान दो कि मैं हिंदुओं को एकत्रित कर सकूं। मुझे सम्मान देना है तो मुझे पद से सम्मान नहीं दो, बहुत दे दिया। लेकिन कोई कांग्रेसी मिले, कोई भारतीय जनता पार्टी के समर्थक मिले, दो या तीन सनातन के समर्थक। मैंने कहा सनातन खतरे में है, जनसंख्या का डेमोग्राफी मैंने जनसंख्या का जो है वो बिगड़ रहा। हिंदुओं की जनसंख्या गिर गई है, क्या पूछिए ये मल्लापुरम संत जा सकते हैं क्या? केरल घुस सकते हैं उस जिले में? मल्लापुरम एक उदाहरण आपको दिया, केरल राज्य का एक जिला है जहां आज हिंदू नगण्य बचा है। कोई अगर चले जाए संत तो उसकी खैरियत नहीं। ऐसे 147 जिले हो गए हैं देश में, 1300 ऐसे स्थान हो गए हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे ब्लॉक हेडक्वार्टर हो, चाहे नगर परिषद का हेडक्वार्टर हो, जहां 25% से अधिक आबादी हो गई। आप कौन से ये कुंभ का मेला देखेंगे आगे अगले साल? आपको लगेगा कि पूरा भारत तो हिंदूमय है, लेकिन आप इन 147 जिले में चले जाएं, 1300 स्थानों पे चले जाएं, तब आपको पता चलेगा आने वाले समय क्या है। आप हिंदुओं के घर में जाएं, पूछे बाबू कै गो बच्चा है? एक दो गो, एक गो, दो गो। काहे भाई? अरे पढ़ाना पड़ता है। वो कहता अल्लाह ताला का देन है जो आ रहा है आने। और तीसरा पुश्त मेरा होगा। अभी आप कल्पना करें, अभी 2000 आदमी घुस जाए, अगल बगल कुछ ना रहे, तो हमको तो पीट देगा। उसके पास शस्त्र है, 5000 आ जाए, पीटेगा कि नहीं पीटेगा? तो घटती हुई आबादी आज भारत के लिए समस्या। हमारे बच्चों में संस्कृति और संस्कार का ज्ञान घट रहा है। कौन करेगा? पालघर में, महाराष्ट्र में हमारे संतों को मार दिया। अब नहीं है नरेंद्र गिरी जी, मैं उनको प्रणाम करता हूं। मैंने फोन किया कि सुनते हैं 10 लाख 12 लाख आपके पास नागा, कहीं क्यों नहीं आप नागाओं का चेन बना दे, मानव चेन संतों का, और देश के सरकारों को बता दे।
कि हम नागा केवल नागा आत्म मोक्ष के लिए नहीं है, बल्कि जब हिंदुओं पे अत्याचार होगा तो मैं खड़ग लेके निकल जाऊंगा। लेकिन क्या हुआ, मुझे डर लग रहा है कहीं मैं बोलते बोलते मार ना खा जाऊं। क्या संगम में स्नान करने के लिए केवल हम है? अगर वही है तो किसी कंदरा में चले जाएं। और आप तपस्या करें, वहां से कोई ऊर्जा महादेव देंगे। आज जरूरत है संतों को, इसलिए जरूरत है। मैं तो कहता हूं अगर मेरे संत देश में 7 लाख गांव हैं, तो 12 लाख तो केवल नागा ही, उसके बाद 10-20 लाख 1-2 लाख दंडी स्वामी होंगे, हम 25-30 लाख और झोला लिए हुए संतो करोड़ों में हो। क्या ये संत कोई कोऑर्डिनेट कर सकता है? ये गांव की ओर चले और हिंदुओं के बच्चों को संस्कारित करें। अभी मैं कुछ दिन पहले, मैं हल्की बातें कर रहा हूँ, धर्म का ज्ञान और संस्कृत का ज्ञान, मैं तो कहता हूँ ना जनामि युगम जपन नैव पूजा न तो हम सदा सर्वदा संबुद्धम। मेरे पास तो कोई न ज्ञान है, केवल महादेव का नाम लेता हूँ और फिर कहता हूँ भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः अस्तमीश्वर। मैं तो यही कहता हूँ, हे महादेव, हे पार्वती, मुझे आशीर्वाद दो, तुम अपने अंदर रखो। मैं तो यही कहता हूं, ये मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरे पास केवल एक भावना और वो भावना इसलिए है कि आप भी घूमते हैं शहर शहर, मैं भी घूमता हूं शहर शहर, मैं भी भिखारी हूं, मैं भी किसी के दरवाजे पर ही खाता हूं, आप भी समाज के द्वारा पोषित होते हैं। हमने कितने घरों में खाया है मुझे ज्ञान नहीं, अपने बिहार में ज्यादा लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं, कहते हैं दादा पहचाने हमारे घर में खाए थे। मैं झूठ कहता हूँ, हाँ हाँ, क्योंकि मैं तो इतने, मुझे याद है कि 2015 में महाराज जी के पीठ पर मैं गया था, 14 में जीत करके आए। महाराज जी ने इसी तरह से दंडी स्वामी का एक नीचे से कह दे कि अगर मुझसे कुछ गलत निकल जाए तो मुझे श्राप तो नहीं दोगे? नहीं, ऊपर तो माफ कर देंगे, नीचे से डर लग रहा है। मुझे बहुत पीड़ा होती है, यहां सब धर्म के रक्षक बैठे, 2 पीड़ा आपके सामने रखूंगा, उसके बाद अपनी वाणी रखूंगा। जब मैं आया मैंने कहा महाराज जी, अब कर्पात्री जी महाराज तो अपने खुद रहे नहीं, आप उस पीठ पर हैं, आपका कर्तव्य है कि देश में हिंदुओं की संख्या गिर रही है, इसके लिए यही पीठ है जो ऊर्जा दे सकता है। इसे मैं सभी शंकराचार्य, सभी महामंडलेश्वर, सभी आचार्य का सम्मान और प्रणाम करता हूँ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।